हे गाइस, माय नेम इज मुकुंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो एंड मोबाइल्स। आज हम करेंगे मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का रिव्यू और इस व्हीकल के कंपेयर करेंगे हम जो रेनॉल्ट की रिसेंटली लॉन्च हुई है क्विड फेसलिफ्ट, उसके साथ हम ये कंपैरिजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टैंगी ब्लू कलर में देखने को मिलती है, जिसकी फिनिश और काफ़ी एक आपको क्राउड में अलग सी पहचान देने वाला ये कलर है। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में ऑप्शन में अवेलेबल है। तो फ्रंट लुक में आप स्टार्ट करते हो तो पहले आपको हेडलाइट देखने को मिलती है, जो ट्विन चैम्बर देखने को मिलती है। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको जो इसके ब्रोशर में जो सब कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सब एसेसरीज़ में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे आपको जो ब्रोशर में देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी यहाँ पे। बट जब जो कंपनी स्टॉक में देती है, वो सब यहाँ पे आपको ये कंप्लीट पूरी गाड़ी स्टॉक है, स्टॉक में ये सबसे टॉप पेरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो फ्रंट लुक देखने को मिलता है, वो एक लाइक ये गाड़ी पूरी हैचबैक है, पर आपको मिनी एसयूवी जैसा लुक देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे जो ये सेटअप देखने को मिलता है, वो एसेसरीज में आप यहाँ पे एलईडी फिट करा सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको स्टैंड्स और उसका लुक देखने को मिलता है। सो गाइस, ये था मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, जो फ्रंट लुक से काफ़ी हाइटेड और एक मिनी एसयूवी का फील देती है। इसकी राइड क्वालिटी एसयूवी मिनी एसयूवी होने की वजह से काफ़ी अच्छी है, बट ये कार एक हैचबैक सेगमेंट में आती है। अब चलिए देखते हैं इस व्हीकल का इंजन। तो गाइस, इंजन कंपार्टमेंट में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ओनली वन इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। ये इंजन 1 लीटर है, जो प्रोड्यूस करता है 67 BHP की पावर। उसके साथ यहाँ पे आपको 90 Nm टॉर्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको AMT एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और इसकी माइलेज फिगर की बात करते हैं तो AMT में आपको 21.7 एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 21.3 माइलेज देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। मैनुअल ओवर आपको ऑटोमेटिक प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि इसकी यहाँ पे माइलेज एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइज, ये था इंजन कंपार्टमेंट। अब चलिए बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो गाइज, साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो आपको एसयूवी लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड इसके साथ यहाँ पे आपको साइड बॉडी ग्लाइडिंग भी देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे ORVM देखने को मिलते हैं, वो भी कलर के साथ फिनिश देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड टायर के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 14 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। एंड इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, जिससे आपको स्मूथ क्वालिटी राइड देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहूँगा कि इस रेनॉल्ट क्विड के हिसाब से यहाँ पे इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि ये SUV है, जिसकी वजह से आपको कम्फर्ट एंड ड्राइवर को राइड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी, एंड एज़ कम्पेयर टू रेनॉल्ट क्विड चलाने में भी काफ़ी अच्छा फील देखने को मिलेगा इस कार से। गाइस, यहाँ पे इस व्हीकल का लुक आपको एक मिनी SUV जैसा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm देखने को मिलती है, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी इनफ है। और एक SUV जैसी व्हीकल होने की वजह से काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी एस्प्रेसो में देखने को मिलता है। एंड बॉडी काफ़ी मस्कुलर है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कैरेक्टर लाइन से वो बोल्ड एंड शार्प है। और यहाँ पे जो एसेसरीज़ में आपको यहाँ पे 360 बॉडी ग्लाइडिंग भी लगा सकते हैं, जिससे इस व्हीकल का पूरा लुक आपको एक प्रीमियम SUV जैसा देखने को मिलेगा। एंड चलिए बात करते हैं यहाँ पे टेल सेक्शन की तरफ।
तो गाइस टेल सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको जो हेड रियर टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं वो सी शेप में देखने को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सिंपल लाइट सेटअप देखने को मिलता है, बट जो इसका लुक देते हैं वो काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलती है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुजुकी के सिंबल के ऊपर भी यहाँ पे आपको कैरेक्टर लाइन जो शार्प देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको बूट स्पेस क्विड के हिसाब से पर काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट इनफ बूट स्पेस है एक 5 सीटर व्हीकल के हिसाब से। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एस्प्रेसो की भी बैजिंग देखने को मिलती है। अब सुजुकी ने यहाँ पे आपको जो LXi VXi जैसे वेरियंट की बैजिंग देना बंद कर दी है। एंड अदर्स में यहाँ पे आप स्पॉयलर भी रियर में लगा सकते हैं जिससे इसकी व्हीकल के लुक काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे दूसरे चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपको रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। एंड जो रियर बम्पर देखने को मिलता है वो भी आप एसेसरीज में और अलग अलग वेरिएंट में आप कलर के साथ देखने को मिलते हैं, बट इस व्हीकल में आपको रियर एंड फ्रंट बम्पर ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। सो गाइस ये थी ओवरऑल मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। मेरे को इस व्हीकल ने इसकी राइड क्वालिटी से काफ़ी इम्प्रेस किया है, स्पेशली इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट क्विड। एंड चलिए बढ़ते हैं इनसाइड दी इंटीरियर एंड देखते हैं क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइज इंटीरियर में आप जाते ही फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सेंटर में राउंड शेप में इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, उसके साथ स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो टच स्क्रीन है उसके ऊपर देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे आपको सेटअप जो मिनी कूपर गाड़ियों में देखने को मिलता है ऐसा यहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, आपको 7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करती है। उसके साथ यहाँ पे आपको जो बलेनो और मारुति सुजुकी XL6 व्हीकल में जो आपको देखने को मिलती है वही डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड इसमें आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे आपको टेकोमीटर देखने को नहीं मिलता। एंड आपको यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज किलोमीटर पर लीटर आपको देखने को मिलती है एंड नॉर्मल एवरेज रेंज आपको देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड ओडो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ पे आपको सभी इंडिकेशन वार्निंग इंडिकेशन लाइट्स देखने को मिलती है। तो गाइज इस डिस्प्ले के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग रेंज एंड फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलती है। इसके साथ यहाँ पे आपको माइलेज हिस्ट्री भी देखने को मिलती है जो यहाँ पे राइट नाउ शो नहीं हो रही, बस इस जगह पे आपको यहाँ पे माइलेज हिस्ट्री देखने को मिलती है। ये डिस्प्ले आपको जो मारुति सुजुकी बलेनो स्विफ्ट डिज़ायर स्विफ्ट एंड मारुति सुजुकी XL6 में देखने को मिलती है वही यहाँ पे डिस्प्ले मारुति सुजुकी ने इस प्रोडक्ट में दी है। एंड यहाँ पे आपको आहा एंड सभी डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड आपको आपका मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स के जैसे यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसके साथ यहाँ पे आप म्यूट कर सकते हैं एंड कॉल अटेंड डिसकनेक्ट एंड वॉइस कमांड का फीचर्स भी देखने को मिलता है। इसमें आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों यहाँ पे आपको एयरबैग्स देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डैशबोर्ड है वो एक सिंपल है बट काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिलता है। ये राउंड शेप का जो बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ दिया गया उसकी वजह से काफ़ी अच्छा है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी वेरी इंफॉर्मेटिव है, बट यहाँ पे आपको एक नेगेटिव पॉइंट है, इसमें टैकोमीटर देखने को नहीं मिलता। एसी की कूलिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। एंड स्टोरेज स्पेस के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे आपको 2 बोतल होल्डर देखने को मिलते हैं। एंड एसी यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये यहाँ पे हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिलता है, उसके साथ USB ऑक्स यहाँ पे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको ग्लोव बॉक्स भी देखने को मिलता है जो काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज देखने को मिलती है। एंड गाइस यहाँ पे आपको इसके टॉप एंड में भी जो ORVM देखने को मिलते हैं वो आपको अंदर से एडजस्ट करने पड़ते हैं। एंड डोर क्वालिटी एंड डोर मटेरियल आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, बट ब्लैक फिनिश होने की वजह से थोड़ा प्रीमियम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको नीचे भी बोतल होल्डर पैसेंजर एंड ड्राइवर की सीट के साथ देखने को मिलता है। सो गाइस ये था पूरा ओवरऑल आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड डैशबोर्ड। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रियर पैसेंजर पर आपको कैसे फीचर्स और कैसा कम्फर्ट देखने को मिलता है। तो गाइस ये है यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर सीट, यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट एवरेज 4 to 5 feet के हिसाब से काफ़ी कम देखने को मिलता है। अभी जो कि जो मॉडर्न गाड़ियों आती है उसमें आपको थाई सपोर्ट कम करते जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको हेडरूम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि ये SUV व्हीकल है। एंड यहाँ पे आपको रियर में पावर विंडोज देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। एंड आपको
रियर में भी जो डोर में स्टोरेज स्पेस कोई देखने को नहीं मिलते, विंडो काफी अच्छी है और यहाँ पे आपको काफी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। आपको रियर में रियर एसी वेंट्स एंड पावर आउटलेट देखने को नहीं मिलते। तो गाइज ये थी पूरी ओवरऑल रियर पैसेंजर से, रियर पैसेंजर कंफर्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है और एसयूवी होने की वजह से आपको काफी अच्छा हेडरूम देखने को मिलता है और लॉन्ग जर्नी के दौरान ये कार काफ़ी कंफर्टेबल होगी रियर पैसेंजर की तरफ से एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट क्विड। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको बूट स्पेस के बारे में, कितना अमाउंट ऑफ बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो गाइज यहाँ पे आपको 240 लीटर बूट स्पेस देखने को मिलता है। इसके साथ पार्सल ट्रे की स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे आपको लॉक नट देखने को मिलता है एंड जो यहाँ पे आप व्हीकल के ड्राइव करते उस दौरान ये वाइब्रेट नहीं होगा और आपको नॉइज़ भी देखने को नहीं मिलती एंड बूट स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बट रेनॉल्ट क्विड में आपको इससे भी ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है। आई थिंक रेनॉल्ट क्विड में आपको 300 प्लस बूट स्पेस देखने को मिलता है, बट ये एक व्हीकल के हिसाब से जो स्पेस देखने को मिलती है उस हिसाब से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट देखने को नहीं मिलती और 100% यहाँ पर आपको सीट यहाँ पर आपको स्प्लिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। तो गाइज ये थी मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो ओवरऑल। आई होप काफ़ी आपको अच्छा ये लगा होगा वीडियो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमको लाइक एंड शेयर करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये व्हीकल का आपको बारे में कोई भी क्वेरी हो या फिर परचेस करना हो तो मैंने पेगासस मारुति सुजुकी अरेना के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको स्टाफ देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी सर्विसेज देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, कंपेयर करते हैं इसको रेनॉल्ट क्विड से जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो इसकी राइड क्वालिटी, ड्राइवर एंड कंफर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट की क्विड से। रेनॉल्ट क्विड में आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे बट यहाँ पर मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड आपको इन दोनों में से व्हीकल आप टेस्ट राइड लीजिए और आपको जो भी अच्छा लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। तो गाइज ये थी ओवरऑल मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।